पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री श्याम सेवा समिति के तत्वाधान में शनिवार को नवम श्री श्याम ध्वज यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ पानदरिवा स्थित हनुमान मंदिर से किया गया। मंडी चौक, अमरोहा गेट, टाउन हॉल का माहौल भक्ति में करते हुए ये यात्रा बुध बाजार सावरदास की धर्मशाला पहुंची। महामंत्री राजकुमार शर्मा ने बताया, फाल्गुन मास की पंचमी से एकादशी तक लाखों भक्त खाटू पहुंचते हैं एवं बाबा का ध्वज अर्पण कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री श्याम प्रभु का स्मरण करते हुए बताया गया कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, इनके द्वार से कोई भक्त निराश होकर नहीं आता। शोभा यात्रा में भक्त नाचते गाते चल रहे थे। बाजारों में यात्रा का कई जगह व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। श्री श्याम सेवा समिति द्वारा ध्वज यात्रा को पूर्ण रूप से मंगलमय करने हेतु रोहित, चंचल, बिपिन, रमेश, जयप्रकाश, सत्यनारायण, सुरेश, सचिन, गीता शर्मा आदि सभी का सहयोग रहा। जो सबसे पहले सभी को मैं जय श्री श्याम कहना चाहूँगा। आज हमारा नवा महोत्सव श्याम महोत्सव हम लोगों ने आज यहाँ पर मनाया है। आज हम यहाँ से बाबा की निशान यात्रा लेके चले हैं, जो कि यहाँ से सीधे रिंगस राजस्थान खाटू जी जाने वाली है। और इसी के संग मैं सभी आवाम को, सब देशवासियों को कहना चाहूँगा कि बाबा श्याम खाटू जी जो हारे का सहारा कहलाते हैं और जो शीश के दानी है, जो सब पे दया रखने वाले हैं, आज की तारीख में अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई समस्या है, एक बार आप हमारे संग रिंगस राजस्थान चलें और बाबा की यात्रा करें, आपको बहुत अच्छी सहानुभूति और अनुभूति होगी। आने वाले एकादशी पे हम लोग कीर्तन भी कराने वाले हैं। ये आयोजन जो है श्री श्याम सेवा समिति के तत्वाधान से कराया जा रहा है और मैं इसका अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम रोहित अग्रवाल है और हमारे संघ में लगभग 200 से 250 लोग आज ये यात्रा लेके निकल रहे हैं। पिछले कितने वर्षों से कार्यक्रम चला आ रहा है? पिछले 11 वर्षों से हम लोग इस प्रोग्राम को करते आ रहे हैं और ये हमारी नवी ध्वज यात्रा है और हर साल एक बहुत बड़ा आयोजन हम लोग अक्टूबर में पिछले 11 वर्षों से करते हैं। धर्म प्रेमियों से क्या अपील है? धर्म प्रेमियों से यही अपील है कि बाबा के अंदर अपनी आस्था रखे, धर्मवाद के ऊपर अपना सांप्रदायिक बनाए रखे और जो जो बाबा का प्रेम है वो सब में बना रहे और बाबा श्याम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी के संग मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आपने इतनी संख्या में आकर हमारे प्रोग्राम को बहुत सुशोभित किया, अच्छा बनाया।